सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। हे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना, अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। आज का पंचांग 9 मार्च 2024 दिन शनिवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:18 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 7:55 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:41 से 11:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कुंभ राशि पर ही रहेंगे। कन्या राशि 9 मार्च 2024 दिन शनिवार। अभी आप खुद को दूसरों से अलग महसूस कर सकती हैं क्योंकि आप किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं। सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सोच समझकर खर्च करें, धोखाधड़ी और झूठे वादों से बचें और सावधान रहें। सपने आशाजनक दृष्टिकोण दिखाते हैं, इसीलिए उन्हें लिखना लाभदायक हो सकता है। व्यस्त और थका देने वाले दिनों के बाद आज का दिन पार्टी के लिए उपयुक्त है। आज आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा। अपने प्यार करने वालों के साथ समय बिताएं क्योंकि प्रियजन हमेशा ताकत और उत्साह प्रदान करते हैं। एक कमजोर इंसान तब रुकता है जब थक जाता है, जबकि विजेता तब थमता है जब वो जीत जाता है। एक रास्ता आपको अच्छी नहीं लगती, इससे आप बोर अनुभव करते हैं। आज आप काफी सुख और फ्लर्ट वाले मूड में होंगे। अपनी दिनचर्या बदलें, इसमें फिटनेस को जगह दें। किसी मनोरंजक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। आपके नए विचार से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। ऑफिस में नई पहचान बनेगी। कुल मिलाकर दिन हल्का फुल्का गुजरेगा, काम कम रहेगा। आप सकारात्मकता के स्रोत बने रहेंगे। सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाइयां हल हो जाएगी। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज कहीं जा रहे हैं तो आज आप उपयुक्त जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकते हैं, जो आपके लिए ज्यादा आय और प्रतिष्ठा का सबब साबित होगी। आपके पास समय तो होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो आपको संतुष्टि दी। अलग अलग नजरिए के चलते आपके और आपके जीवन साथी के बीच वाद विवाद हो सकता है। महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे तथा घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग भी आपके लिए भाग्योदयदायक साबित होगा। उनकी देखभाल व सेवा भाव आपका दायित्व है। बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे। आपकी दुविधा जल्दी ही दूर होने वाली है। सही निर्णय लेंगे और काम आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगी। व्यक्तिगत जीवन में सुधार आएगा। आपको तनाव से बचना होगा। काम संबंधित निराशा हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद फिर से काम में रुचि होने लगेगी। रिलेशनशिप संबंधित आ रहे बदलाव को न समझने से थोड़ी निराशा हो सकती है। सेहत में सुधार करने के लिए विटामिन की जांच जरूर करवाएं। आज के दिन आपके लिए दौर भाग भरा भी रह सकता है। परिवार में माता जी को कोई शादी कष्ट होने से आपको भाग दौड़ अधिक करनी होगी। लेन देन के मामलों में आप स्पष्टता बनाए रखें और आपको दोपहिया वाहन के प्रयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। पिताजी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। आप अपने कामों को लेकर परेशान रहेंगी, लेकिन आपने यदि जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो उसके लिए आपको पछतावा हो सकता है। सावधानियाँ। आपसी संबंधों में कटुता न आने दे, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपसी संबंधों तथा आपकी मानसिक शांति पर भी पड़ेगा। बाहरी गतिविधियों में समय व्यर्थ न करें, वरना आपके व्यक्तिगत कार्य अधूरे रह सकते हैं। आर्थिक कश्मकश रह सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप इस समय ड्रीम में जी रहे हैं, जहाँ रोमांस और यौन सुख आपकी प्राथमिकता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले अपने साथी को खुश करें और उसके दिल की बात भी सुने। अपने साथी को खो देने के भय को अपने मन से निकाल दें। यह व्यस्त अवधि आपके और आपके चाहने वालों के बीच में दरार डाल सकती है, जिससे वो आपसे भावनात्मक रूप से दूर महसूस करेंगे। अपने दिल के खास व्यक्ति पर आज विशेष ध्यान और प्रेम दें। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको अनदेखा न करें, क्योंकि वही आपकी शक्ति और आत्मविश्वास के आधार हैं। आपका कोई नजदीकी आपके और करीब आना चाहता है, लेकिन आप इसे बस दोस्ती तक रखना चाहते हैं। अगर आप इस आदमी को खुलकर अपनी भावनाएं बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस आदमी से आपको बहुत प्यार और देखभाल भी मिली है और इसने कई बार आपके कठिन समय में आपका ध्यान रखा है। सलाह है कि आप अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच लें। बात करते हैं करियर की। अपने नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का ये उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे तो ये समय नौकरी में परिवर्तन लाने वाला है, जो कि आपको उचित दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। आप इस उपरांत अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़े तो ना सोचें, क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा। अभी आप डर को अपने मन से निकालकर दिल खोलकर जीवन का मजे लेना चाहते हैं, लेकिन अलगाव या धोखाधड़ी आपको उदास कर सकता है। दीर्घकालीन निवेश या आपको लाभ होने की संभावना है। परिवार में से किसी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसके लिए डॉक्टर से मिले। कई दिनों तक बिना ब्रेक लिए काम करने के बाद अब परिणाम का समय है। उत्सव और पार्टी की भी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में आप व्यस्त हो सकती हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। अपने साथी को नजरअंदाज न करें और याद रखें, जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आएगी, परंतु साथ ही साथ उनके हल भी मिलते जाएंगे। महिलाओं से संबंधित व्यवसाय भी लाभ की स्थिति में रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को आज कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी, जो कि भविष्य में उनकी तरक्की के लिए भी सहायक रहेगी। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कुछ दिनों से अपनी सेहत पर कुछ कम ध्यान दे पा रही हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी अतिरिक्त देखभाल करें। अगर आप अपनी सेहत के बारे में लापरवाही करेंगे तो आपको बुखार या दूसरी छोटी मोटी तकलीफें हो सकती है। अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपनी दिल का राज बता सकती हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी राहत मिलेगी। अगर जरूरत हो तो अपनी मानसिक स्थिति और जीवन शैली भी बदलें। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय। आज अब जल में काली तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।